मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका इंतज़ार आज ख़त्म, आज आपका रिजल्ट आ गया है। बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हों, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। आप में से कुछ आपके फ्रेंड ने व्हाट्सएप किया है अपना रिज़ल्ट, अच्छा है, और बाकी लोग भी फटाफट व्हाट्सएप कर, कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स कितना स्कोर। लेकिन एक चीज़ है, वो ध्यान रखना, मार्क्स जो भी आपका आया है वो आपके मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एंड पॉइंट नहीं है, ये एक स्टेप है, और इस तरीके से कई स्टेप को आपको पार करना है। अच्छा मार्क्स आया है, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन फिर से नई एनर्जी के साथ नए स्टेप की तैयारी कीजिए। थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से कम आया है, मायूस होने का कोई ज़रूरत, अगले स्टेप में इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाकर इसकी कमी को पूरा करना, बस इतना ही। आज ज़्यादा कोई भाषणबाजी नहीं, आप सेलिब्रेट कीजिए। आपका मार्क्स अगर 75 से ऊपर है, इस मार्क्स को डिस्टिंक्शन कहा जाता है। डिस्टिंक्शन यानी कि प्रतिष्ठा, यानी कि आप अच्छे मार्क्स लाए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला का 90% से अबव आ गया और आपका 85 आ गया, 75 आ गया, तो आपका मार्क्स ख़राब है। 75 से ऊपर होना चाहिए, 75 से नीचे है थोड़ा सा जो है वो मायूसी होती है, लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। और अगले वाली पढ़ाई उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत से करें। आप लोग रिजल्ट भेज दीजिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।